नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं, वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आज हनुमान जयंती है। बजरंगबली के जयकारों से गांव से लेकर शहर तक, गलियां, हर जगह बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं। ऐसे में भक्ति से अलग आज हम हनुमान के उस विराट रूप की व्याख्या करेंगे जिसमें जीवन का सार छिपा है। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हनुमान हमें क्या सिखाते हैं, हनुमान में वो कौन सा मैनेजमेंट फंडा है जो आज भी हमारे काम का हो सकता है। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हनुमान के जीवन से वो कौन से संदेश उनके जीवन में छिपे हुए जो आज हमारी दुनिया पर शायद संकट को टाल सकते हैं। इन सब पर अपने खास मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बजरंगी लीनो अवतार, बधाई हो बधाई हो। बजरंगी लीनो अवतार, बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। हनुमान हमारी आस्था की ऐसी धुरी है जिसपे बल भी है, तप भी है, भक्ति भी है और विनम्रता की गहराई भी है। देखो प्रगटे हैं पवन कुमार। जब रणभूमि में लक्ष्मण मूर्छित हुए तो जिस नाम को प्रभु राम ने सबसे पहले पुकारा वो हनुमान का था। हनुमान केवल प्रभु राम के लिए संकट मोचक नहीं थे, बल्कि आज तक उनका नाम हर छोटे बड़े को संकट से उबरने का आत्मबल देता है। उन्हीं संकट मोचक हनुमान की जयंती आज धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। पवनसुत हनुमान हमारे वो लोकदेव हैं जो लोगों के मन में बसे हैं। हनुमान साध्य भी हैं और सिद्ध भी हैं। भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। हनुमान बलशाली भी हैं और विनम्र भी हैं। हनुमान का यही वो परिचय है जो आज भी घर घर गाया जाता है। 8 सिद्धियों और 9 निधियों को धारण करके भी हनुमान प्रभु राम की भक्ति का प्रण नहीं भूलते। यही वजह है कि लोक जीवन में हनुमान आज भी उतने ही प्रासंगिक है। देखिए, हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां भी हैं और 9 निधियां भी हैं। 9 निधियां और 8 सिद्धियां उनके पास आई माता जानकी की कृपा से। वैसे तो कुबेर के पास भी 9 निधियां हैं, लेकिन हनुमान जी के पास जो 9 तरह की निधियां हैं, 9 तरह की संपदाएं हैं, वो हनुमान जी दूसरे को प्रदान कर सकते हैं, अपने भक्त को दे सकते हैं। कुबेर अपनी निधियों को आगे प्रदान नहीं कर सकते। जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो जीवन में हर प्रकार का ऐश्वर्य और हर प्रकार की संपदा जो इस पृथ्वी पर मौजूद है वो आपको प्राप्त होती है 9 निधियों के माध्यम से। हनुमान केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं है, बल्कि ऐसे वन्य देवता हैं जिन्होंने सृष्टि की हर रचना का परिचय उसके आत्मबल से कराया। अपनी शक्ति का कभी घमंड नहीं किया, गुणी होकर भी अपने गुणों का बखान नहीं किया। एक सेवक के रूप में हमेशा राम के काम आए, मित्र बनकर हर कठिन पथ पर प्रभु राम के साथ रहे, अपनी विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा, जो प्रण लिया उसे पूर्ण किया। हनुमान की यही शक्ति थी जो आज भी हमारे लिए बड़ी सीख है। देखिए, हनुमान जी की जो 8 सिद्धियां हैं, अरिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, इषित्व, वशित्व और प्रकाम्य, हनुमान जी की जो 8 सिद्धियां हैं वो ये बताती हैं कि हनुमान जी अलौकिक हैं। और ये 8 सिद्धियां उनको प्राप्त हुई भक्ति की वजह से, माता सीता की कृपा से। जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की साधना करता है वास्तव में, तो उसे जीवन में 8ों का अनुभव शायद ना हो, लेकिन किसी न किसी सिद्धि का या एक से ज्यादा सिद्धियों का अनुभव होने लगता है। और कभी कभी हनुमान जी विशेष कृपा करके अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान कर देते हैं। आज जब अहंकार का बोलबाला है, जब छोटे छोटे अहम
दुनिया को विनाश की कगार पर ले आए हैं, तो हनुमान के व्यक्तित्व से सीख बेहद जरूरी है। हनुमान के पास बल की कमी नहीं थी, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने धैर्य और अपनी बुद्धिमत्ता से बिगड़े काम बनाए। कभी क्षमा करके, कभी दया से और कभी विनम्र बनकर हर मुसीबतों को हनुमान ने चुटकियों में हल कर डाला। शहर शहर हनुमान जयंती पर दुनिया के सबसे बड़े लोक देवता की महिमा का गान किया जा रहा है। गलियों से लेकर गांव तक शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। लोग राम भक्त हनुमान से संकट दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। यही हनुमान की भक्ति की वो शक्ति है जो आज भी हमें मानवता की राह दिखा रही है और बता रही है कि हनुमान केवल पूज्य ही नहीं है, बल्कि आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज, कथावाचक हमारे साथ हैं, प्रोफेसर पवन सिन्हा एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं, नंदिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुकी है एस्ट्रोलॉजर, प्रतीक भट्ट जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं, और मेरी दो सहयोगी नीतू झा और शिल्पी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नीतू, सबसे पहले आपके पास आते हुए जरा मंदिरों की रौनक दिखा दीजिए, फिर उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। नवजोत, मैं इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर में हूँ और यहाँ पर एक बार रौनक जरूर दिखाऊंगी मैं आपको। हर जगह रौनक ही रौनक है, पूरा मंदिर भक्ति में कहना ये तो बहुत आम बात है क्योंकि मंदिर है, श्रद्धालु है तो भक्ति में माहौल है, लेकिन इतना उत्साह, इतना जोश शायद ही आपने यहाँ कभी किसी और दिन देखा होगा। इतने सारे श्रद्धालु और इस बीच कुछ नौजवान लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ और जानने समझने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ से आए हैं। अभी जब हम खड़े थे हमारे लाइव से पहले तो आप एक भजन गुनगुना रही थी, गुड न्यूज़ टुडे के हमारे दर्शक भी अगर वो भजन सुन लेते एक दो लाइन। जी बिल्कुल, पहले तो आप सभी को श्री राम जी के भक्त हनुमान जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं छोटा सा भजन जी बिल्कुल, हाँ जी, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। एक गाना है नवजोत, हाल ही में बहुत वायरल भी हुआ, जब राम मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी तब भी वो गाना बहुत चल रहा था, राम आएंगे तो क्या होगा, लेकिन आज तो हनुमान जी का जन्मदिन है, वीर हनुमाना हो जाए। जी बिल्कुल, केसरी के लाल मेरा छोटो सो ये काम, के जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, सजा दो घर को तुम अपना, मेरे प्रभु राम आए हैं, बोल सियावर रामचंद्र की जय। बहुत खूब नवजोत, देखिए ये भाव खूबसूरत, बिल्कुल नीतू। श्रद्धालुओं से बात लौटते हैं आपके पास, जरा एक बार शिल्पी के पास भी चलेंगे, शिल्पी वहां की भी रौनक दिखा दीजिए एक बार। बिल्कुल, देखिए राम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान की जयंती है, जन्मोत्सव है, तो अवध में अगर हम कहें नवजोत तो परंपरा ही रही है हनुमान जी की भक्ति की, क्योंकि अभी तो सेलिब्रेशन शुरू हुआ है, देखिए बड़ा मंगल आने वाला है, यानी ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को अवध में बड़ा मंगल मनाया जाता है। आप कभी लखनऊ आकर के इसकी रौनक देखिए, कदम कदम पर भंडारे और हनुमत भक्ति के साथ आपको सेवा का भी एक ऐसा दृश्य मिलेगा जो शायद कहीं और नहीं है। मैं हनुमंत धाम में हूँ, महाबली
महाबली हनुमान की ये प्रतिमा देखिए, वरद मुद्रा में यानी आशीष दे रहे हैं अपने भक्तों को, और चेहरे पर जो भोलापन है देखिए, क्योंकि बाल रूप में विराजते हैं यहाँ, और यहाँ पर उनके भक्तों की संख्या वैसे तो भोर से ही है, लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं और अपनी मनोकामना कह रहे हैं हनुमान जी से। लेकिन इस बीच हमारे साथ जो यहाँ पर युवा हैं उनसे, क्योंकि सभी बहुत तैयार होकर के आई हैं, आज कुछ स्पेशल ओकेजन है, ही हनुमान जी की जयंती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है क्या? हाँ, हमारी एक मतलब हमारी बहन का बर्थडे है, तो हमने सोचा आशीर्वाद लेके ही हनुमान जी का आशीर्वाद लेके। देखिए बर्थडे है, सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं, मेरे ख्याल से पीछे से वो आ रही हैं, अभी हम देख भी रहे थे। तो ये बताइए कि यहाँ पर हनुमान जी से आप लोगों ने आज के दिन बर्थडे है, तो और ज्यादा एक अवसर होता है सेलिब्रेशन का, तो प्रसाद चढ़ाने के बाद होगी ना पार्टी? जी बिल्कुल होगी, लेकिन शुरुआत तो मंदिर से ही होनी चाहिए। बिल्कुल शुरुआत मंदिर से, और वो भी हनुमान जी की भक्ति से। तो हम चाहेंगे दो लाइन आप भी सुनाएं, आपकी बहन की बर्थडे है और यहाँ पर आप आई हैं। जी, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो दिल के नगीने में, श्री राम। बिल्कुल देखिए, तो बिल्कुल शिल्पी, चलिए लौटेंगे, दोनों ही तरफ रौनक है और दोनों तस्वीरें लगातार आप हमें दिखा रही हैं। चलिए खास मेहमानों का रुख करते हैं, शुरुआत चंद्रांशु जी महाराज आप ही से करते हुए। देखिए जब हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं तो हमेशा हनुमान का जिक्र होता है, राम के बिना हनुमान, हनुमान के बिना राम, दोनों ही अधूरे। लेकिन जब हम हनुमान की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। आज जिन चीजों का जिक्र हम यहां अपने इस एपिसोड में करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से, वो है उनका मैनेजमेंट फंडा। क्या कुछ आज 21वीं सदी में AI युग की शुरुआत हो चुकी है, डिजिटल क्रांति आ चुकी है, कंप्यूटर युग में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए आस्था और आध्यात्म से हमारी डोर यूं ही बंधी हुई है, या कहें कि लगातार बनती चली जा रही है। क्या शक्ति है, क्या ताकत है, कैसे हम हनुमान जी से प्रेरणा ले सकते हैं आज के युग में? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जयंती के दर्शकों को, हमारे अयोध्या धाम, हमारे संत समाज की ओर से सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामना है। दूसरी बात, आपने जहां तक हनुमान जी से क्या कुछ सीख सकते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हनुमान जी से सब कुछ हम सीख ही सकते हैं। हनुमान जी का जो परिचय है वो है, अतुलित बलधामम शरण शैला भदेहम, धनुज बन कृषानम ज्ञानिनाम अग्रगणियम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी के पास में अतुलित बल है, वंदे विशुद्ध विज्ञान कह करके उनका परिचय मिलता है। जैसे आपने विज्ञान के समन्वय की बात कही, तो निश्चित तौर पर हनुमान जी का जो स्वरूप है, स्वभाव है, वो विज्ञानी है, संपूर्ण विज्ञानों से संपन्न है, विशुद्ध विज्ञान को जानते, विशेष ज्ञान जिसको, उसको विज्ञान मानते हैं हमारे आचार्य लोग। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हनुमान जी में संपूर्ण समावेश है। आज जयंती है, हनुमान जी का जन्म ही इसी के लिए हुआ है, लोक में एक ऐसी शिक्षा देने के लिए। आपको नवजोत जी अगर थोड़ा सा ध्यान इंगित करवा दूं, तो जिस समय पृथ्वी में एक ऐसा समय आ गया था, भ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुनी नहीं काना, जहां अधर्म का इतना बोलबाला हो गया था कि कहीं पर भी धर्म कर्म कहीं सुनाई नहीं पड़ रहा था, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म व्याप्त था, ऐसे समय में जब भगवान राम जी के पास, ब्रह्म के पास में जाकर के पृथ्वी माता देवताओं ने निवेदन किया कि आप अवतार लें, और उस समय भगवान ने प्रकट होने के लिए सुअवसर दिया कि हम मनुष्य रूप में अवतार लेंगे, जब आकाशवाणी हुई, उस समय आकाशवाणी को सुन करके, जब भगवान की आकाशवाणी देवताओं ने सुना, तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि वो परिपूर्ण ब्रह्म स्वयं हम लोगों का, लोक का कल्याण करने के लिए अवतरित हो रहे हैं, तो हम लोगों का भी कर्तव्य है कि भगवान जब स्वयं सेवा करने के लिए, लोक कल्याण करने के लिए आ रहे हैं, उनकी सेवा के लिए हमको भी आना चाहिए। तब शंकर भगवान ने अपने अंशावतार उस सृष्टि के कल्याण में, समाज के कल्याण में योगदान देने के लिए, उर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपीश्वरा मेष लग्ने अंजनी गर्भात प्रादुर्भूतो शिवा स्वयं, स्वयं शंकर भगवान के अवतार श्री हनुमंत लाल जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, और प्रादुर्भाव होने के बाद में उन्होंने लोक का जिस तरह से कल्याण किया, जिस तरह से उन्होंने
कार्य किया कि राम जी को ही उन्होंने ऋणी बना लिया। और आज के समय में हम लोग थोड़ा कुछ भी करते हैं, कभी कभी आप नवजोत जी देखेंगे, सीखने जैसी बात है। कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी हम लोग सहयोग सेवा करने के लिए जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हम जिसको सहयोग करते हैं, अगर 1 किलो चावल दे रहे हैं तो 9 लोग पकड़ के रखे हुए हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता कौन किसको दे रहा है, कौन लेने वाला है। हनुमान जी महाराज की विशेषता ये है कि सेवा करने में इतनी सेवा किए कि राम जी ने कहा कपि सेवा बस भय कनोहे कहो पवन सुत आओ, देने को कछु है नहीं धनिक पत्र लिखाओ। भगवान अपने आप को ऋणी मानते हैं। भरत भाई कपिते उरिन हम नाही, प्रसिद्ध भजन आपने सुना है। हनुमान जी ने इतना कुछ किया है कि उरिन भगवान कहते मैं नहीं हो सकता। परंतु हनुमान जी की दूसरी विशेषता क्या है कि सब कुछ करने के बाद सब ही मान प्रत आप अमानी, सब कुछ तो करते हैं, लंका को जलाते हैं, सीता जी की खोज करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं, पर बाद में हनुमान जी से कोई पूछता है कि आपने ये सब कुछ किया है, उन्होंने कहता नहीं, ये प्रभु की कृपा भय उस सब का। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी चीज है आज कलयुग में जो हम सभी को सीखनी चाहिए। नंदिता जी के पास चलते हुए, नंदिता जी हम मैनेजमेंट फंडा की जब बात करते हैं तो क्या कुछ हम हनुमान से सीख सकते हैं? पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री राम दूतम शरण प्रपद्ये। अब इस मंत्र में ही देखे तो हनुमान जी की मैनेजमेंट स्किल्स का पूरा गुणगान कर दिया गया है कि ही इज लाइक स्विफ्ट एज अ माइंड, कि कितना तेज उनका दिमाग चलता है, कितनी उनकी स्किल्स है, कितना फास्ट वो एक्ट कर सकते हैं, कितना। तो मैनेजमेंट के क्या गुण होते हैं? मैनेजमेंट के गुण होते हैं डिसिप्लिन। तो हनुमान जी ने हमेशा अपना डिसिप्लिन दिखाया, बचपन से लेके बड़े होने तक का में वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे, ऐसा नहीं कि स्टैग्नेंट लाइफ की। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए मैनेजमेंट के गुण में, तो हनुमान जी की तो कम्युनिकेशन स्किल्स की तो बात ही क्या। उन्होंने माता सीता को जिस तरह से एक अपनी कम्युनिकेशन के बल पर उनको प्रभावित किया और बताया कि हाँ श्री राम जो है उनकी रक्षा के लिए आ रहे हैं, और वहीं पर रावण को अपना वो उसी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा ये भी बताया कि तू संभल के रहना क्योंकि अभी प्रभु श्री राम आएंगे तो तुम्हारा विनाश होगा। अब आता है नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गुण होता है। पूरी वानर सेना का अगर कोई लीडर था तो वो हनुमान जी थे। वही वो डायरेक्ट करते थे किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे करना है, कैसे लंका को दहन करना है, किस तरह से क्या करना है। और जो मृत अपनी सारी जो उनकी अष्ट सिद्धियां हैं उनका उन्होंने इस पूरे लंका दहन में, इस पूरे सुंदरकांड में अगर आप पढ़ेंगे तो उसका पूरा उन्होंने उपयोग किया। ये मैनेजमेंट स्किल है कि एकदम से इमीडिएट सिचुएशन को देख के डिसीजन लेना। जैसे कि सुरसा से जब उनका सामना हुआ, जब लंका पार कर रहे थे तो उन्होंने फिर अपना विराट रूप इमीडिएट लिया। उनको पता चल गया कि ये जब तक हम इनको भयावह रूप नहीं दिखाऊंगा ये झुकेंगी नहीं मेरे सामने, क्योंकि पहले वो विनती कर रहे थे कि हाँ नहीं आप समझ लीजिए। फिर जैसे वो लंका पहुंचे तो उन्होंने बिल्कुल लघु रूप ले लिया, लघु रूप होकर के पूरा लंका को उन्होंने सर्वेलेंस की। दिस इज ऑल मैनेजमेंट स्किल्स। वहां जाके अशोक वाटिका में गए तो पत्तों के पीछे छोटे रूप में छिपे, पहले उन्होंने देखा कि अशोक वाटिका में माता सीता कहाँ है, कैसे है, क्या है, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स यूज की। फिर वहीं पे फिर उन्होंने अपना बिल्कुल मैक्सिमम विराट रूप दिखा करके माता सीता को ये एक बैलेंस कह। सो जो मैनेजमेंट के आप जितने भी गुण बोले, नीति की बात करें, जो बोलते हैं कि आप कितना एक्सपर्ट है किसी भी चीज को कन्विंस करने के लिए, तो हनुमान जी से तो बड़ा उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा थी। प्रतीक जी अमेजिंग है, अमेजिंग। बिल्कुल, देखिए इसी बात को आगे बढ़ाएंगे जो नंदिता जी समझा रही थी, कैसे सूक्ष्म रूप से लेके विराट रूप के दर्शन करा के अपने काम कराए। एक समय वो था जब सुग्रीव मान नहीं रहे थे कि वो श्री राम से मैत्री करेंगे, तो वो हनुमान जी थे जिन्होंने साम दाम दंड भेद यूज करके सुग्रीव को मनाया। तो आज की डेट में सबसे बड़ा मैनेजमेंट का फंडा क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को डिप्लोमेटिक स्किल्स या आपके ऑर्गेनाइजेशन को जो चाहिए या आप जिस काम में लगाया जा रहा है उसको सक्सेस दिलानी है, साम दाम दंड भेद जैसे भी। सुग्रीव को ये दर्शाया कि देखिए, क्योंकि वो अगेंस्ट थे उस समय, राम जी से मैत्री के लिए तैयार नहीं थे, वो मनाया। उसके बाद भी उन्हें पता था ये युद्ध नहीं जीता जा सकता, रावण इतने बलशाली हैं, तो उन्होंने सबसे बड़ा इक्का जो चला वो ये कि विभीषण को अपने खेमे में किया, उनको ये यकीन दिलाया। तो ये डिप्लोमेसी है जिसका कुछ समय पहले हमारे विदेश मंत्री जी भी जिक्र कर रहे थे। क्यों डिप्लोमेसी और मैनेजमेंट गुण श्री हनुमान जी से सीखने चाहिए,
इसलिए, क्योंकि आप सोचिए घर का भेदी लंका धाय ऐसे नहीं कहा जाता है, और अगर क्या वो भेद पता होता ना पता होता नवजोत जी, तो क्या रावण को मारा जा सकता था? ये तो वो पहले से ही जानते थे कि मैनेजमेंट स्किल्स है। उसी के साथ साथ पूरी वानर सेना जिसके पास अस्त्र नहीं है लेकिन तमाम तरह से उसका प्रयोग करना, जब वो अशोक वाटिका गए तो संवाद हुआ सीता जी के साथ, तब भी जब सीता जी नहीं मान रही थी तो अंगूठी के दर्शन कराना, ठीक है। तो निश्चित तौर पर इस तरह से कई जगहों पर यह देखा गया है कि हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, हर तरह से नियंत्रण आत्मविश्वास में रहते हुए बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों को पार कराया है, और इतनी ज्यादा जो कि बार बार सारे लोग यहां कह रहे हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, कहते हैं ऐसे व्यक्ति संपूर्ण होता है, सारी शक्ति होने के बावजूद भी उसका दुरुपयोग ना करना, नहीं तो आज की डेट में तो अगर दस इस अष्ट सिद्धि नव निधि में अगर एक एक भी आ जाए हमारे पास तो कहीं ना कहीं हम दुरुपयोग करने लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका दुरुपयोग ना करना, जहां पे जिस चीज का प्रयोग होना है वहां वही चीज प्रयोग करी, जहां सुई वहां सुई, जहां तलवार वहां तलवार। तो ये अपने आप में एक सीखने की कला हनुमान जी से, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कमिटमेंट और ईमानदारी। तो वो आज भी जैसे हर जगह जहां पर भी आप पढ़ेंगे रामचरितमानस रामायण, हर जगह एक ही बात है, मेरे प्रभु श्री राम ने किया जो भी किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निर्लिप्त भाव से करना। तो इसीलिए कहा जाता है मैनेजमेंट में आपके पास अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई युद्ध हो या कहीं पर भी हो, आपको जीत सुनिश्चित है। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट में हनुमान जैसे ही व्यक्ति चाहिए जिसमें चाहे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कह लीजिए या फिर डिप्लोमेटिक स्किल्स की बात कह लीजिए, और वो तमाम बातें जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं, नंदिता जी भी हमें लगातार समझा रहे हैं कि कैसे कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। चंद्रांशु जी महाराज, आपके पास आते हुए कोई एक कथा हम चाहेंगे आपके श्रीमुख से सुने हनुमान जी की। वहीं से मैं भी आगे बात बढ़ा रहा हूं जी। रामदूत के रूप में बिना पूछे समुद्र का लंघन किया। व्योधान सात्विक राजस और तामस तीनों प्रकार के हैं। जब भी हम कोई अच्छा काम करने के लिए चलते हैं तो कोई ना कोई बाधा बनी ही रहती है। कोई जरूरी नहीं कि अशुभ व्योधान करने के लिए आए, कभी कभी देवता भी आ जाते हैं। हनुमान जी उन तीनों बाधाओं से सात्विक राजस और तामस तीनों बाधाओं को दूर करके लंका में प्रवेश करते हैं। लंकनी का उपसंहार करके वो एक बार बोलती है, हमको सबसे हंसी आती है, जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए जाते हैं तो उस समय लंकनी कहती है, जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा, जितने दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं वो सब मेरे आहार हैं। हनुमान जी को इतना जोर से क्रोध आया कि दुनिया का जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने मेरी माँ सीता का हरण करके लेकर के आया हुआ है, उसकी तो ये रक्षा कर रही है और मैं पता लगाने के लिए जा रहा हूँ, चोर को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझको चोर समझ रही है। ऐसा सोचकर हनुमान जी को थोड़ा सा गुस्सा आया और मुटका एक महाकपिहनी। तो हनुमान जी ने सबसे पहले एक जो संदेश दिया कि कुछ कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको सात्विक प्रवचन देंगे तो नहीं समझ में आता, ये मुटका और लात जूता भी एक तरह का प्रवचन सत्संग का हिस्सा कभी कभी बन जाता है। और देखेंगे कि लंकनी जब वहां से उठती है फिर कोई अलग बात नहीं कहती है, वो कहती है तात मोर अतिपूर्ण बहुता, देखो नयन राम कर दूता। अब वो कहती है प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, आप जाओ। फिर सत्संग की बात करती है और भगवान राम की बातें करती है, तो मुटका से भी सत्संग करके जो एक पाठ हनुमान जी पढ़ाए वो भी बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल, चर्चा आज हनुमान जयंती की कर रहे हैं, तो खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नंदिता जी, आपके पास आते हुए हम प्रभु हनुमान के जीवन काल की तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। एक चीज राम और हनुमान की बॉन्डिंग, चाहे मित्रता कह लीजिए चाहे भक्ति कह लीजिए, और अगर यही हम आज की डेट में कहें तो कॉन्फिडेंस और फ्रेंडशिप अटूट और निस्वार्थ दोस्ती और भरोसा इतना ज्यादा दोनों को कि बिना कहे शायद बहुत सारी चीजों को एक दूसरे से वो समझ लेते थे। जी देखिए, ये तो केवल मनुष्य या वानर रूप में जब पैदा हुए तो ये आप ये देखिए कि इनकी लीनियज कहाँ से आ रही है। भगवान राम विष्णु अवतार हैं तो वहीं पे रुद्र रूप हनुमान जी हैं। शिव जी के जो इष्ट होते हैं वो विष्णु जी माने जाते हैं, विष्णु जी के इष्ट शिव जी माने जाते हैं। तो ये तो इट इज लाइक एन इटर्नल बॉन्डिंग, ये तो कभी भी टूट ही नहीं सकती। कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव भी बीच में डाला जाए तब भी ये दोनों के बीच में जो एक बॉन्डिंग है, जो डिवाइन बॉन्डिंग जिसे बोलते हैं, वो हमेशा रहेगी।
समर्पण का भाव केवल हनुमान जी के अंदर ही नहीं था, भगवान राम के अंदर भी उतना ही समर्पण का भाव हनुमान जी के लिए था। वो उनको बिल्कुल अपने भ्रातृ स्वरूप मानते थे, है ना, और उनको वो उपाधि दी थी और उनसे ज्यादा विश्वास वो किसी पे नहीं करते थे। तो उनको हमेशा ये था कि ये मेरे संरक्षण करेंगे, ये मेरे मतलब राजदूत रहेंगे, ये ही मेरा सब कार्य करेंगे। लक्ष्मण थे, जरूर थे, उनके दूसरे भाई थे, लेकिन जितना विश्वास उनको हनुमान जी पे था कि ये सारे कार्य पूर्ण कर लेंगे, उनको लगता था कि ये पहले हनुमान जी को दिया जाए तब किसी और को दिया जाए। वहीं पे हनुमान जी को दिया जाए तो उनकी जो जिस तरह से जैसे जब उनका अयोध्या पहुंचे और सबको कुछ कुछ उपहार दिया गया और उसी में आया कि हनुमान जी को भी कुछ उपहार दिया जाए, तो हनुमान जी का मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस समर्पण भाव चाहिए कि मुझे अपने पास रखें आप। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही थी कि इनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है भगवान राम द्वारा। उन्होंने कहा नहीं नहीं इनको मोतियों का हार दे दिया जाए। तो उन्होंने मोती का हार जब मिला तो उन्होंने उसको काट काट के फेंकना शुरू करा। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें जेलसी और इस तरह डाल के बोला कि नहीं, ये जो है इस समय ये अपमान कर रहे हैं माता सीता का भी और भगवान राम का, कि उपहार दिया और उपहार का उपहास करके ये चबा के इसको फेंक रहे। तो तब भगवान राम हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ करके दिखाया कि जो मेरे अंदर मेरे सीने के अंदर बसते हैं उनके किसी बाहरी उपहार की मुझे जरूरत नहीं है। और अंदर राम सीता की तस्वीर देख करके तब जाकर के बाकी सारी सभा में जो लोग थे भगवान राम की, उन्होंने फिर वो नतमस्तक हुए, उन्हें समझ में आया कि ये जो स्वरूप है ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये जरूर कोई डिवाइन बीइंग है जो भगवान राम के साथ उनके संरक्षण के लिए। सो दैट बॉन्डिंग वाज सो ब्यूटीफुल। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे ये इतना समर्पण, इतनी बॉन्डिंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। और बहुत सारी, और ये इस समय की प्रेजेंट टाइम की जरूरत भी है। आप देखिए हर जगह इतनी लड़ाई द्वेष हर जगह में हो रहा है, पड़ोसियों में हो रहा है, आपस में भाई बहनों में हो रहा है, भाइयों में हो रहा है, माता पिता के साथ बच्चों में हो रहा है। तो ये जो कलयुग में आ रहा है इस समय, तो भगवान राम और हनुमान जी के समर्पण को याद करके स्पेशली हनुमान जयंती जैसा दिन है तो बहुत ही अद्भुत दिन है। इसको हम अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर नंदिता जी देखें तो प्रतीक जी कंटिन्यू कीजिएगा, स्ट्रेस लेवल लोगों का क्यों बढ़ता जा रहा है, उनके पास कोई साथी नहीं है बात करने Lack के लिए, साथी नहीं है, हम किससे बात करें? क्योंकि हाल फिलहाल में जितने हम सुसाइडल केसेस देखते हैं उनमें यही बात आती है कि इंसान के लिए इंसान बचा ही नहीं है जिससे वो अपने मन की बात कर सके। और यहाँ पर एक ऐसी बॉन्डिंग है कि वो इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि बिना कहे सब कुछ जान लेते हैं। साथी से ज्यादा इम्पोर्टेंट यार नवजोत जी हो जाता है उम्मीदें, एम्बिशन, चाहत। हनुमान जी से वो सीखना है, उन्हें सब कुछ मिल सकता था, वो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से कहीं भी ज्यादा शक्तिशाली थे, जो उस संदर्भ में बात कर रहा हूं जो कि उस समय होती थी। हर तरह से शक्तिशाली थे, सूझबूझ में उनसे बेहतर थे। लक्ष्मण ने तो कई कई संदर्भ आए जहां पे गलतियां हुई हैं, श्री राम ने करेक्ट किया है। जब रावण से ज्ञान मांगने भी, जब वो मृत्यु अवस्था में थे, मांगने लिए भेजा था, श्री हनुमान जी के बारे में ऐसा कहीं नहीं है। तो सबसे बड़ी समर्पण भाव। आज हर चीज हम करते हैं तो उसके पहले अगर हम 10 मिनट कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ये सोचते हैं क्या 1000 रुपए का फायदा हो रहा है, नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो हम नहीं करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि हम उम्मीदें पाल रहे हैं हर चीज से। जो आपने कहा, एक हमें इस तरह का समर्पित साथी चाहिए होता है जीवन में, उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है उम्मीदें। समस्याओं की सारी की सारी जड़ें हैं उम्मीदों में, चाहत में, एम्बिशन में। अगर आप ये छोड़ दें, हनुमान जी का जीवन सीखना चाहिए, सबको सब मिला, जैसे कि दंता जी कह रही थी मोती का माला इनको मिला, बाकी उस समय जब वो आए थे सबको उपहार दे रहे थे, बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। अगर आज हम अपनी जरूरतें, उम्मीदें, चाहत, एम्बिशन थोड़ी सी कंट्रोल कर लें, यकीन मानिए ये स्ट्रेस लेवल है अपने आप कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। इसी के साथ एक लाइन, हाँ आप अपनी बात, इसीलिए कहा भी जाता है हनुमान जी की पूजा क्यों कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, सिर्फ क्या बल की वजह से या मंगल की ऊर्जा की वजह से? नहीं, क्योंकि जो सूझबूझ है, समझदारी है। अब जब मैं हमेशा कहता हूं, जब मांगलिक का दुष्प्रचार किया जाता है कि जिसका नाम ही मंगल है उसको तुम अमंगल से क्यों जोड़ देते हो हमेशा, तो निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ही हनुमान जी की पूजा, नेगेटिविटी दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा, स्ट्रेस खत्म करने के लिए हनुमान जी की पूजा। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में हमने नहीं देखा कि उनके माथे पर सिकन आई, सबने आपा खोया। सिर्फ पूरे जो भी ये पूरा भी प्रकरण हुआ रामायण में, सिर्फ दो ही लोग हैं जब जिन्होंने आपा नहीं खोया, वो श्री भगवान रामचंद्र और हनुमान जी। सबने आपा खोया है, चाहे लक्ष्मण हो चाहे भरत हो, कहीं ना कहीं।
बिल्कुल, तो ये अपने आप में आपने जिस स्वार्थ का जिक्र किया, देखिए हम जब मंदिर जाते हैं, इनफैक्ट आज भी बहुत से लोग मंदिर गए होंगे, वहां जाकर रादर देन ये कहना कि आज हनुमान जयंती है और हम दर्शन करने आए हैं, हम कुछ ना कुछ मन की मुराद आगे रखी देते हैं, जबकि प्रभु जानते हैं जब कोई चल के वहां तक आ गया तो इसका मतलब उसके मन में कोई ना कोई इच्छा है, बिना कहे आपकी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। इसी से जुड़ी एक कथा चंद्रांशु जी महाराज, वही कथा जरा मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को एक बार फिर से सुनाइए, जब लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटते हैं और कैसे वो हनुमान गढ़ी में हनुमान को विराजते हैं। नवजोत जी, आप आज आपने एक बहुत अच्छी चर्चा उठाई और दर्शकों तक ये संदेश जाना चाहिए। एक तो प्रकरण हमारे सभी राम भक्तों को, दर्शकों को उस दृश्य को देखना चाहिए जब हनुमान जी ने समुद्र लंघन किया, क्योंकि जितने भी अन्य वानर वीर हैं सब लोगों ने उस समय अपने अपने हथियार को डाल चुके हैं, कोई 10 योजन कोई 90 योजन की बात कर रहा है, हनुमान जी उस 100 योजन समुद्र का लंघन करके चले जाते हैं, लंका के अंदर जाकर के लंका में खोज करते हैं। रावण के कूटनीति में देखिए, उन्होंने रावण के भाई विभीषण को तोड़ दिया और संधि किया उनके साथ में, तुम मुझको सीता जी का दर्शन करवा दो, मैं तुम जब आओगे तो मैं तुमको राम जी से मित्रता राम जी के साथ मिला दूंगा। उनके भीषण के माध्यम से सीता जी तक पहुंचते हैं और सीता जी के पास पहुंचने के बाद में अशोक वाटिका को उजाड़ करके और बाद में लंका को आग लगा करके इतने बड़े बड़े मुद्रिका दे करके चूड़ा मणि लेकर के जब आते हैं तो अहंकार, हम लोग थोड़ा कुछ करते हैं अहंकार हो जाता है, इतने बड़े काम करके हनुमान जी लौट करके आए हैं। भगवान राम उस समय पूछते हैं, जयमंत जी ने परिचय बताया, ये चौपाई दर्शकों तक जाना चाहिए। हनुमान जी ने परिचय दिया कि लाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गणवध विभिन्न उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछुक मोर प्रभुताई। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं कहना, समुद्र लंघन करना, लंका को जलाना, सीता जी की खोज करना, यह आपके प्रताप ने किया है, यह बहुत बड़ी बात होगी। और यह हमारे संत समाज में देखने को आपको मिलेगा कि अच्छा हो बुरा हो वो यही बोलते रहते, राम जी की इच्छा, अच्छा हो गया तो राम जी की इच्छा, बुरा हो गया तो राम की इच्छा। तो जो आजकल बहुत से देखते हैं कि परीक्षा का समय भी चल रहा है, परीक्षा लोग देते हैं, परिणाम कुछ व्यतिक्रम आया तो कोई फांसी लगा लेता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई पागल हो जाता है। एक तो पहले उनको भगवान की इच्छा पर कर्म अच्छे से करना चाहिए जो हनुमान जी ने किया, पर शेष भगवान पर ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान ने यही संदेश दिया है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम तो केवल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो फल देना मेरा कर्तव्य है। तो पहला हनुमान जी के जीवन से यह विनम्रता सीखने जैसा है। दूसरा, अभी हमारे साथ जो पैनल पर लोग बैठे हैं उनको भी हम सुन ही रहे हैं, बहुत अच्छी बातें चल रही हैं कि अतुलित बल धामम है, तो बल से सब कुछ सबको नहीं जीता जा सकता, सबको हम नहीं जीत सकते। हनुमान जी की विशेषता क्या है, आपके दर्शकों तक यह बात पहुंचे कि भगवान कौन है। षड ऐश्वर संपन्न, जिसमें 6 ऐश्वर विराजमान हो नित्य, उसको भगवान बोलते हैं। राम जी में नित्य 6 वीरता रहती है, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशास्त्रिया ज्ञान वैराग्यो शैव शरणाम भगी तिंगड़ा, ये भगवान का स्वरूप है। राम की 6 विशेषता क्या है कि त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षणा पराक्रमो महावीरो धर्मवीरो सदस्यता, ये 6 वीरताएं नित्य विराजमान रहती हैं। हनुमान जी की बुद्धिमानी क्या है, कब संधि करना है कब लड़ाई करना है, ये हनुमान जी को अच्छे से पता है। उनको पता है कि राम जी इतने बड़े वीर हैं, मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो जो ज्यादा वीर है उसको नहीं जीत सकता, ज्यादा बड़े पहलवान को क्या करना है। हनुमान जी की यह इतनी अच्छी बात लगती है कि उन्होंने भगवान राम से इतना प्रेम किया, इतना राम राम जपा कि हनुमान जी कहीं ऋणी हो गए, राम जी ऋणी हो गए हनुमान जी के। और सुवीर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो, राम जी को अपने अधीनस्थ वशीभूत करके रखते हैं, अष्ट सिद्धि नवदिद्धि को प्रदान कर लिया, तो निश्चित तौर पर कह रहे हैं। और हनुमानगढ़ी की जहां तक आपने बात किया, तो हनुमान जी जिस समय जो हनुमानगढ़ी में विराजमान है, हमारे राम जी ने और सीता जी उनको बड़ा पुत्र माना है, लवकुश उनके पुत्र हैं, पर उन्होंने राम जी ने सीता जी ने लवकुश को यहाँ अयोध्या का राजा नहीं बनाया, हनुमान जी को यहाँ पर राजा बनाया हुआ है। और दूसरी एक और भी बड़ी लोकप्रिय कथा है, लंका के युद्ध के बाद जब थक गए थे हनुमान जी, उन्होंने फिर कहा था राम जी से कि हमको थोड़ा विश्राम चाहिए, हमको नहाने के लिए सोने के लिए और खाने के लिए कोई जगह दे दीजिए। भगवान राम प्रसन्न होकर के चित्रकूट में हनुमान धारा है जहां निरंतर जल गिरती रहती है, वहां पर उन्होंने स्नान करने का जगह दिया था, प्रसाद पाने के लिए हनुमानगढ़ी दिया था जहां निरंतर लड्डू का भोग लगा रहता है,
और तीर्थराज प्रयाग में आज भी हनुमान जी विश्राम करते रहते हैं। गंगा माँ साल में एक बार स्नान करवाती हैं, स्नान करने के लिए जगह दिया था, तब से हनुमानगढ़ी में राजा के रूप में आज भी हनुमान जी बारा महाराज विराजमान है। यहाँ की मान्यता कोई कितना धन दौलत रुपए पैसे क्यों न कमा ले, पर किसी की भी मंदिर का जो गुम्बज है वो हनुमानगढ़ी से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि राजा तो हमारे हनुमान जी सरकार ही है। बिल्कुल, हनुमान जी सरकार वहां पर कहा जाता है। नंदिता जी, संक्षेप में चलते चलते देखिए, जीत नहीं सकते तो स्ट्रेटजी चेंज कर लीजिए। किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है वो भी हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हनुमान जी ऐसे हैं जिनका मन में, कर्म में, वाणी पे पूरा कंट्रोल और बैलेंस था। कब कहां क्या चीज यूज करनी, और समर्पण भाव था साथ में, डेडिकेशन, तो कब कहां क्या यूज करना है। उनसे बड़ा नीति यहां पे डिप्लोमेटिक टर्म्स में अगर कहा जाए तो उनसे बड़ा कोई और डिप्लोमेट रहा नहीं है आज तक का युगों युगों में। कुछ भी आप कह ले, किसको कब ऊंचा उठाना है, किसको कब गिराना है, ये भी हनुमान जी को बहुत अच्छे से पता था। जैसे कि महाभारत युग में जब भीम को बहुत ज्यादा अहम हो गया अपने बल पर, तो वो पूरा एक बूढ़े वानर का वे रूप बना करके बैठ गए, अपनी पूंछ फैला दी, और जब भीम ने उस पूंछ को हटाना चाहा तो हटना नहीं पाए। तो तब वो एक उसका उद्देश्य यह था कि आपको समझना है कि आप बहुत बड़े विराट नहीं हो, आप भी कहीं पे किसी के सामने छोटे हो सकते हो। तो भीम का अहम तोड़ा हनुमान जी, तो इस तरह से वो इस तरह की ऐसी अपनी नीति यूज करते थे कि बहुत प्यार से भी समझा सके, किसी की ईगो भी हर्ट नहीं हो और अपना पर्पस भी सॉल्व हो जाए। बिल्कुल, जब उनको कहते हैं कि आप कौन है प्रभु और साक्षात दर्शन दीजिए, तो फिर उसके बाद हनुमान दर्शन देते हैं भीम को। चले चलते चलते एक और फंडा प्रतीक जी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, फंडे से ज्यादा अब जरूरी हो गया है कि ये समझना कि सायंकाल है, हनुमान जी की पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं आज के दिन और ओम हनुमते नमः इस मंत्र का और हनुमान चालीसा का पाठ करें। रही बात फंडे की, तो मैं फिर वही कहूंगा, समर्पण, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो अपने बच्चों के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, ये सीखना चाहिए हनुमान जी से। अगर आपने समर्पण सीख लिया, सब सीख लिया। बिल्कुल, लेकिन ये भी एक आखिरी लाइन और दो लाइनों में जरा समझा दीजिए। कहा जाता है कि शनि दोष से मुक्ति के लिए भी आपको हनुमान जी की शरण में ही जाना बिल्कुल पड़ता है। इसीलिए कहा भी जाता है साढ़े साथी हो, ढैया हो, तो सिंदूर लगाना चाहिए, तेल चढ़ाना चाहिए आज के दिन, क्योंकि इस पर एक कथा है, उसे बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर किसी भी साढ़े साथी ढैया चल रही है या शनि से पीड़ित है तो आज हनुमान जी की पूजा, उन्हें बूंदी चढ़ाएं और साथ ही साथ सिंदूर अर्पित जरूर करें, और इन सबसे ऊपर भाव आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े।